कच्चे तेल के आयात और प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने टाटा मोटर्स को बिजली से चलने वाली 10,000 गाड़ियां बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। पहले चरण में नवंबर तक 500 ऐसी गाड़ियां बनाई जाएंगी। देखिए रिपोर्ट। जैगुआर और लैंड रोवर जैसी महंगी गाड़ियों से नैनो तक बनाने वाले टाटा मोटर्स लिमिटेड को भारत सरकार ने 10,000 बिजली से चलने वाली गाड़ियां बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। सरकार की तरफ से ये कदम प्रदूषण कम करने और कच्चे तेल के आयात को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार पहले चरण में टाटा मोटर्स नवंबर तक 500 गाड़ियां बनाएंगी और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड को देगी। बाकी की 9,500 गाड़ियां दूसरे चरण में बनाई जाएंगी। EESL द्वारा आयोजित इस बोली में टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड और निसान मोटर कंपनी शामिल थी। बिजली से चलने वाली इन गाड़ियों की कीमत लगभग 11,20,000 रुपये होंगी। कहा जा रहा है कि अगले 3-4 साल में ये गाड़ियां सरकारी कार्यालयों में इस्तेमाल किए जाने वाली पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों की जगह ले लेंगी। चाइना जैसी विश्व की कई अन्य अर्थव्यवस्थाएं पहले ही इस दिशा में कदम उठा चुकी हैं। It's going to take a lot longer in China, but the Chinese government is pushing pretty hard on this front. Now, it's worth noting that the Chinese government hasn't actually set an end date. All they've said is they're going to review it. Yes. The results of that review could be 2040, could be 2050, could be no, we don't think it's a good idea. So we're still waiting for some more information there. Yeah. But even the fact that they're considering it shows just how far the market has come in the last 5 or 6 years. टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने 3,000 करोड़ डॉलर्स मूल्य की ऐसी गाड़ियां बनाने का फैसला किया है जो बिजली से चलेंगी। हालांकि नीति आयोग के अधिकारियों ने माना है कि 2040 तक देश में चलने वाली कुल गाड़ियों का आधे से ज्यादा प्रदूषण रहित विद्युत गाड़ियां होंगी, पर इनके लिए बैटरी बनाना और चार्जिंग स्टेशन बनाना चुनौती भरा काम होगा। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।